हमारे स्टूडियो के प्यूरिफाइड एयर में भी कुछ जल रहा है। दिल्ली वासियों के लिए पराली के साथ साथ उनके फेफड़े भी जल रहे हैं। जी हां, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में जब गंदी हवा चली तो वायु प्रदूषण इतना बढ़ा कि सांस लेना मुहाल हो गया। बीते कुछ दिनों से दिल्ली की हवा सांस लेने लायक बिल्कुल नहीं है। अब रविवार को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में बदल गए दिल्ली का हाल आज भी बुरा रहा। कल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI यानी हवा की क्वालिटी 625 पर थी, जो आज सुबह 11 बजे बढ़कर 774 हो गई। जाहिर है दिल्ली में हर उम्र के लोगों को के लिए हवा जहर में बदल चुकी है। जी हां, हालांकि इस वक्त दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी 588 है, वो भी हैजर्डस यानी डेंजर लेवल्स के पास ही है। जी हां, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है ये, इसके बावजूद खतरनाक स्तर पर ही है। जी हां, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम का भी बुरा हाल है। आज भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके यानी नेशनल कैपिटल रीजन NCR का स्तर इमरजेंसी वाला ही है। यहां भी प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। कल दिल्ली में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आसमान साफ नहीं हुआ क्योंकि बारिश बहुत हल्की थी। इससे मामला और उलझ गया, सुलझा नहीं है। जी हां, कल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर 1065 का था। दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में आज भी दुनिया में टॉप पर है। रविवार को स्मॉग का स्तर नवंबर 2016 और नवंबर 2017 के मुकाबले भी ज्यादा रहा। प्रदूषण की जानकारी देने वाली एयर जो विजुअल वेबसाइट है उसके मुताबिक दिल्ली रविवार को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इस लिस्ट में ढाका दूसरे नंबर पर था, लेकिन उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी भारत से 7 गुना कम था। ये साइट वर्ल्ड की 90 बड़े शहरों की हवा पर नजर रखती है। दोपहर 1:45 पर लाहौर ने ढाका को पीछे छोड़कर नंबर 2 की पोजीशन पर कब्जा जमाया था, लेकिन वह दिल्ली से पीछे ही रहा। दिल्ली पोल्यूशन में सबसे आगे। नॉर्थ इंडिया का जो पूरा इशू है प्रदूषण का, उसमें अकेले दिल्ली क्या कर सकती है? वो तो केंद्र को करना पड़ेगा ना। केंद्र को सारे राज्यों को एक साथ बिठाना पड़ेगा। जो रीजनल रीजंस हैं, जो फसलें जल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी जल रही है, पंजाब में भी जल रही है, हरियाणा में भी जल रही है, उसको तो वही केंद्र सरकार ही सब लोगों के साथ मिलकर कर सकती है ना। उसमें दिल्ली को क्यों वो दोष देते हैं, दिल्ली के लोगों को क्यों दोष देते हैं? दिल्ली की हवाओं में घुल रहा है प्रदूषण का जहर और दिल्ली की हवाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। कल और आज की अगर बात करें तो ये फर्क साफ देखने को मिलता है। जैसे कि फिलहाल अगर दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी की बात करें तो ये कल के पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसपे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है संडे 3 नवंबर, तकरीबन 12 बजे का ये डेटा है और 625 ओवरऑल एयर क्वालिटी है। साथ ही अगर आज की हम बात करें तो आज जो दिल्ली की अभी एयर क्वालिटी बनी हुई है वो 605 यानी कि 708 आपको यहाँ पर तस्वीर में नजर आएगी। ये फिलहाल एयर क्वालिटी दिल्ली की बनी हुई, यानी कि कल 625 से आज 708 हो गई है दिल्ली की एयर क्वालिटी। उम्मीद की जा रही थी कि हल्की बूंदाबांदी तो दिल्ली में हुई, उससे शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत फिलहाल मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जो एयर क्वालिटी है वो बेहद खतरनाक स्तर पर है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये तो सेंटर का काम है, पर अरविंद केजरीवाल से हम पूछना चाहेंगे, जो हर बात पर धरना देते हैं, क्यों अमरिंदर सिंह के घर के बाहर धरना नहीं दे रहे? क्यों ML खट्टर के घर के द्वार पर धरना नहीं दे रहे? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने धरना नहीं दे रहे? और अगर पिछली बार से अब की बार काफी मेहनत की है तो पिछली बार के मुकाबले इस बार हवा की क्वालिटी खराब क्यों? देखिए, सबके सब मास्क लगा के घूम रहे हैं। अभी मास्क लगाकर भी क्या करें, क्योंकि सुबह का मास्क शाम तक इतना गंदा हो जाता है कि आपको फिर से फिल्टर और मास्क बदलने की जरूरत पड़ जाती है। दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के कई शहरों में ऐसी हवा, ऐसी हालत है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका खांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, सारे रिपोर्टर्स के पास हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रियंका के पास जाएंगे। प्रियंका जावेद मंसूरी भी हमारे साथ हैं, लेकिन प्रियंका बताइए अभी एयर क्वालिटी कैसी है जहाँ पर हैं आप? आपने मास्क नहीं लगा रखा, बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं आप भी। जी बिल्कुल, बेहद जल्दबाजी में है क्योंकि दर्शकों के साथ जुड़े हैं। फिलहाल कैलाश गहलोत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और फूल लेकर हाथ में पहुंचे हैं विजय गोयल के घर पे, ये क्योंकि विजय गोयल अभी ऑड इवन वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी लेकर बाहर निकले। क्या फूलों के साथ क्या कहने वाले हैं आप विजय गोयल जी? उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जिस प्रकार सभी दिल्लीवासी ऑड इवन में हिस्सा ले रहे हैं और उसको एक सफल अभियान की तरह बना रहे हैं, तो विजय गोयल जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो
बिल्कुल दिल्ली वासियों की तरह ऑड इवन का पालन करें। विजय गोयल कह रहे हैं कि ऑड इवन एक नाटक है, पूरे चार साल आप लोगों ने पोल्यूशन को लेकर कुछ नहीं किया, कुछ दिनों के लिए आप गाड़ियां बंद कर रहे हैं और इसी संदेश को पहुंचाने के लिए वो ऑड नंबर की गाड़ी लेकर निकले हैं। वही सब चीज़ तो मैं समझाने आया हूँ विजय गोयल जी को कि पिछले लगातार 4.5 साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के साथ मिलके, देखिए ये मानना है कि जो दिल्ली वासी हैं वो सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जब वो समझ जाएं कि ये चीज़ जो है इससे उनको फ़ायदा होगा। जिस प्रकार से डेंगू पे काबू पाया और 25-30% जो पोल्यूशन दिल्ली वासियों ने कम किया, उसी प्रकार प्रियंका इनसे पूछिए कि दिल्ली वासियों को पूरे साल में सिर्फ 40 दिन शुद्ध हवा मिलती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम उनको समझाना जरूर आएंगे। सर आखिरी सवाल, दिल्ली वालों को पूरे साल भर में अगर कहा जाए तो एक महीने से भी कम दिन शुद्ध ताजी हवा मिलती है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी आप मानते हैं? देखिए पोल्यूशन कुछ दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, लेकिन ये जो पोल्यूशन है आज जो हालत बनी हुई है दिल्ली की, आपने क्या किया, आपने तो बहुत खर्चा किया है। अगर इन्होंने खर्चा किया तो पिछले साल के मुकाबले इस बार हवा की क्वालिटी खराब क्यों है? प्रियंका पूछिए। हमने बार बार कहा है कि ऑड इवन जो है, ऑड इवन से हम पराली का धुएं पे काबू नहीं पा सकते। सर दिल्ली सरकार की अपनी तरफ से क्या कोशिशें रही है? नहीं, बिल्कुल कोशिशें रही और लगातार हमने क्या किया, देखे जनरेटर से जो देखिए 320 दिन तो मतलब सर वो तो आप बिजली को उसका वो दे रहे हैं ना, बिजली क्योंकि आप दे रहे हैं तो आप इसलिए कह रहे हैं कि जनसेट की वजह से अगर बिजली पराली तो सिर्फ 10 दिन जलती है प्रियंका, कैसे बंद कर देंगे? इसके अलावा जितने भी डस्ट, जहाँ से डस्ट निकल रहा है बड़बड़ी कंस्ट्रक्शन, तो फिर पिछली बार से अब की बार हवा क्यों खराब है? भी प्लान के बाद बंद हुई है। नहीं नहीं, उससे पहले भी जितनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं वहाँ पे फाइन हुए हैं, चलान हुए हैं। तो पिछली बार से अब की बार हवा क्यों खराब है? इतना करने के बाद भी पिछले साल की तुलना में इस बार हवा क्यों खराब लग रही है? 25-30% तो कम है, ये तो एज पर दी रिपोर्ट विच हैव बीन टेबल इन पार्लियामेंट, ये तो उसकी रिपोर्ट है। हमारे कह रहे हैं नवंबर 2016-2017 में हवा और बेटर थी, नवंबर 2016-2017 में तो हवा और बेटर थी। प्रियंका की रिपोर्ट उन्हें बता रही जी, उनका ये कहना है कि जो रिपोर्ट्स उनके पास पहुंच रही है उनके हिसाब से 25% तक प्रदूषण जो है वो कम हुआ है। हालांकि फिलहाल अगर इस वक्त की भी बात करें हम तो यहाँ 588 के लगभग जो है एयर क्वालिटी ओवरऑल दिल्ली की बनी हुई है, सुबह की तुलना में काफी कम जरूर है लेकिन अभी भी बेहद खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। और इसी पर राजनीति फिलहाल हो रही है। विजय गोयल के घर के बाहर हमने आपको कैलाश गहलोत की बात यहाँ पर सुनाई। विजय गोयल ऑड इवन स्कीम लागू होने के बाद एक गाड़ी लेकर निकले हैं ऑड नंबर की और उनका कहना है कि सांकेतिक प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, यानी कि वो जनता को बताना चाह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया और ऑड इवन के चलने। प्रियंका सीधी सी बात है, प्रियंका सीधी सी बात है कि जब तक वर्षा होती है, बारिश होती है, दिल्ली में हवा साफ होती है, जितने दिन मॉनसून के जो 30 या 40 दिन हैं उसके अलावा पूरे साल दिल्ली की हवा खराब है, पूरे साल दिल्ली की हवा खराब है, इसका दोष वो किस पर मढ़ेंगे? इसका दोष तो वो पंजाब हरियाणा पर नहीं मढ़ सकते कैलाश गहलोत? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो सवाल हमने उनसे पूछा था उनका जवाब यही था कि दिल्ली सरकार ने कोशिशें की हैं, अवेयरनेस की है। उनका कहना है कि जेनसेट से होने वाले धुएं को रोका गया क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार बिजली दे रही है, बिजली नहीं कट रही है तो लोग जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनका कहना अवेयरनेस है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ग्रीन कवर बढ़ाए, ये दिल्ली सरकार के दावे हैं कि उन्होंने किया है। इसके उलट अगर विपक्ष की बात की जाए तो उनका कहना है, विजय गोयल का ये कहना है कि जो भी चीज़ों का क्रेडिट दिल्ली सरकार ले रही है असल में वो केंद्र सरकार ने किए, वो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बना के 60,000 गाड़ियों का दिल्ली में रोकना बंद करना हो या ऐसे तमाम कोशिश है। तो इनका कहना है विजय गोयल का कि ये केंद्र सरकार की मुहिम है, केंद्र सरकार के काम है। फिलहाल अगर बात की जाए तो राजनीति ऑड इवन पर फिलहाल देखी जा रही है और जो लोग हैं वो ही सिर्फ 10 दिन के ऑड इवन से कैसे कितना फर्क पड़ेगा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि व्हीक्यूलर पॉल्यूशन जो है वो 8% या 10% है दिल्ली में, जो क्रैकर से पोल्यूशन है वो 3 या 4% है। हमारे साथ जावेद मंसूरी, दीपक रावत भी हैं, लेकिन मैं वापस प्रियंका के पास जाना चाहूंगा। अजीत सिंह लखनऊ से हैं, मोहित मल्होत्रा हैं चंडीगढ़ से, लेकिन प्रियंका ये सवाल कैलाश गहलोत से पूछना जरूरी है कि अगर आप वो कह रहे हैं कि 25% कम हुआ है तो पिछले साल नवंबर के मुकाबले इस साल नवंबर में हवा की क्वालिटी खराब कैसे है? सितंबर में साफ हवा इसीलिए थी क्योंकि मॉनसून लेट खत्म हुए हैं, अक्टूबर में साफ थोड़ी सी हवा इसीलिए थी क्योंकि मॉनसून लेट खत्म हुए।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जब ये सवाल उनसे लगातार पूछा जा रहा है तो उनका कहना, वो साफ तौर पर इसकी जिम्मेदारी, खास तौर से नवंबर अक्टूबर का जो प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लगातार हरियाणा और पंजाब से जल रही पराली को दे रही है। उनका कहना है कि अपने स्तर पे दिल्ली सरकार जो जो काम कर सकती थी प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए वो पूरे साल भर करती आई है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए जिसके चलते दिल्ली में पराली का धुआं है। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो जो पैटर्न भी रहा है दिवाली के बाद से लेकर अब तक, जिस तरीके से जो एयर क्वालिटी है वो बेहद हानिकारक स्तर पर रही है, उसमें दिल्ली सरकार साफ तौर पर जो तमाम दोष है, जो पूरा दोष है वो मढ़ रही है पंजाब और हरियाणा सरकार पर। उनका कहना है कि क्योंकि वो अलग पार्टियों की सरकार है और वो नहीं चाहते कि, और केंद्र सरकार ने कोई दखल इस पर नहीं दिया, उन सरकारों से बात नहीं करी, इस वजह से दिल्ली जो है वो भुगत रही है। जी, और ऐसा है कि दिल्ली वालों को अब आदत हो गई है अपने फेफड़े जलाने की, अपने फेफड़ों को खराब करने की, इसीलिए थोड़ी सी भी धूप निकलती है, हवा साफ होती है, लगता है सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। मैं आपको बता दूं, जावेद मंसूरी अगर हमारे साथ हैं, मैं उनसे जुड़ना चाहूंगा। पानीपत से दीपक रावत, मैं जरा कंफर्मेशन चाहता हूं, पर मोहित मल्होत्रा हमारे साथ है चंडीगढ़ से। मोहित, एक बात बताइए, मोहित, व्हाट इज द सिचुएशन वहां चंडीगढ़ में, क्या हाल है, हरियाणा और पंजाब सरकार क्या कह रहे हैं, ये पराली अभी क्यों जल रही है? देखिए, हरियाणा सरकार ने तो नासा की जो इमेजेस आई हैं सामने उसको लेकर सीधे तौर पे कह दिया कि हरियाणा में इक्का दुक्का मामले हैं, आप इमेज देख लीजिए, रविवार शाम 5 बजे की, यानी कल शाम 5 बजे की इमेजेस थी जो उन्होंने, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके सीधे तौर पे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हरियाणा में इतने कोई मामले नहीं हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से आपसे थोड़ी देर पहले सवाल किया गया था, आपसे थोड़ी देर में मैं आपको रिएक्शन भी भेजूंगा, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये सब कुछ केंद्र सरकार को देखना है, पंजाब के किसान छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पराली का समाधान कर सके, अगर आप चाहते हैं कि पराली ना जलाएं तो 100 रुपये प्रति क्विंटल उनको मुआवजा केंद्र सरकार दे, जब धान खरीदे तो उनको ये मुआवजा देना पड़ेगा, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। और जो राजनीति चल रही है उसको लेकर जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ साल में 4 से 5 दिन ब्लेम किया जाता है, पंजाब को ब्लेम किया जाता है, अरविंद केजरीवाल का काम है, उनको शौक है बोलने का, वो टारगेट करते रहते हैं और उनको दिखता है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो वो पंजाब को टारगेट कर देते हैं कि पराली जलाने के मामले यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं। पिछले साल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हम कदम उठाएंगे, हम फार्मर्स के साथ काम करेंगे, पराली नहीं जलेगी। पिछली बार उन्होंने कहा, देखिए हरियाणा में ज्यादा पराली जल रही है, मेरी उनसे बात हुई थी, वो लाइव बैठे थे देवेंद्र फडणवीस और कुमार स्वामी के साथ, तब उन्होंने कहा था कि हरियाणा में पराली ज्यादा जलती है, पंजाब में कम, ये पिछले साल की बात है। और इस साल वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जावेद, आप कहां हैं दिल्ली में, दिल्ली वासी आप कह रहे हैं कि मास्क का भी फायदा नहीं, क्योंकि सुबह मास्क लगाओ शाम तक फिल्टर गंदा हो जाता है, कितने बार फिल्टर बदले, और पूरे साल तो फेफड़े खराब हो ही रहे हैं, अब क्या 2-3 दिन और झेल लेंगे। ऊपर मौजूद हूं दिल्ली के। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आईटीओ पर हम सुबह से मौजूद हैं और लोग इसको हम देख रहे हैं कि फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मास्क की आपने बात की, कोशिश यही है कि कुछ हद तक बचा जा सके, क्योंकि कल भी हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि मास्क बहुत ज़्यादा बचाएगा नहीं, लेकिन आपको दिखा दें कि दिल्ली सरकार किस तरह से तैयारी करी और जागरूक करी ऑड इवन के लिए। देखिए, ऑड इवन का लेकर सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर खड़े हैं और लिखा है ऑड इवन का पालन करें, प्रदूषण दूर करें। और सुबह आईटीओ वो स्पॉट था जहाँ पर कई चालान भी हुए, लोगों ने फॉलो भी किए, हम लगातार देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ में फिलहाल कोई कार नज़र नहीं आ रही है, हम बात भी कराते हैं, लेकिन सुबह कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऑड इवन का फैसला ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझना होगा कि जिस तरह की राजनीति दिल्ली में इस पर हो रही है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हरियाणा पंजाब इसके लिए जिम्मेदार हैं, आम लोगों में भी ये बात एक तरह से फैल रही है, कई लोगों ने कहा कि पंजाब हरियाणा से पराली आती है, लेकिन सच्चाई यही है कि इन दिनों में हालात इसी तरह से रहते हैं जैसी अभी दिख रहे हैं। जी जी, जावेद आप हमारे साथ बने रहिए। आपने क्या कहा, आपने कहा ऑड इवन की बात की, आज से दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली में जितना प्रदूषण है उसका कंट्रीब्यूशन जो व्हीक्युलर पोल्यूशन का 10% के करीब है, आंकड़े यही बताते हैं जहाँ तक मुझे याद है। 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा ऑड इवन, रविवार को ऑड इवन लागू नहीं होगा, यानी 15 नवंबर तक ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियाँ दिल्ली में चलेंगी और इवन तारीख वाले। ये विजय गोयल हैं, कैलाश गहलोत और विजय गोयल की भेंट हुई है, जहां कैलाश गहलोत जो है विजय गोयल जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कि ऑड इवन के खिलाफ प्रोटेस्ट ना करें, उनको फूल देकर कह रहे हैं कि गेट वेल सून, कि मत कीजिए इसको। अब देखें इनके बीच क्या बातचीत होती है, लाइव ताज़ा विजुअल्स आ रहे हैं, इसी पर चलते हैं।
प्रियंका खांडपाल हमारे साथ ग्राउंड पर हैं, जरा इस पे विजुअल पर देखें। विजय गोयल जी ने प्रोटेस्ट के लिए गाड़ी निकाली थी कि दिल्ली सरकार का पूरा दावा जो है और ये ऑड इवन सिर्फ ढकोसला है, नाटक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि पूरे साल भर दिल्ली प्रशासन ने कुछ नहीं किया प्रदूषण को कम करने के लिए, दिल्ली की आबो हवा को ठीक करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद दिल्ली सरकार ये कहती है कि साल में कम से कम 40 दिन जो है हवा शुद्ध रही, 365 दिनों में से कम 320 दिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि दिल्ली वासियों के लिए हवा जो थी, क्वालिटी जो थी, खराब थी। ऐसा भी नहीं कि मॉडरेट थी या गुड थी, खराब थी, पुअर एयर क्वालिटी। अगर प्रदूषण के ऊपर आप सातों एमपीज के साथ ऐसे ही मीटिंग करते हैं, सुनिए सुनिए, पहले मैं बहुत पूछता, अभी एक भी मीटिंग सातों एमपीज के साथ नहीं हुई, हम सब के साथ नहीं हुई। मैं जो आज ऑड इवन के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैं प्रदूषण को खत्म करने के फेवर में हूँ। मैं पहला आदमी हूँ जो मनीष सिसोदिया से सत्येंद्र जैन के दफ्तरों में जाकर मिला था अलग अलग मुद्दों के ऊपर, वो कभी मेरे पास नहीं आए, मैं उनके पास उन मुद्दों पर गया था। मैं आज भी आपके यहाँ आने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी शिकायत जो ये है, 5 साल में केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के लिए कुछ किया नहीं। आप भी हमसे आके नहीं मिले, आप भी आके नहीं मिले। अगर पराली का ही दोष है तो फिर ऑड इवन से क्या फायदा है, ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, आज का जो मेरा प्रोटेस्ट है वो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इसलिए है कि भाई ऑड इवन भी होना था तो पहले होना था, अब जब एयर क्वालिटी पहुंच गई 1000 से ऊपर, अब जब पहुंच गया PM2.5 900 से ऊपर, अब जब खतरनाक लेवल पे पहुंचे, तब केजरीवाल जी ने भेजा। केजरीवाल जी खुद ही आ जाते या मुझे बुला लेते, आप पूछिए, उन्होंने आज तक मुझे बुलाया हो और मैंने मना किया हो तो बात है, किंतु मैं आपको चिट्ठियां भी लिखता रहा और मैं आपके मंत्रियों से भी मिलता रहा। बाकी प्रदूषण खत्म करने पर मैं और मेरी पार्टी का 100% सहयोग हर चीज में रहेगा। मैं चाहता हूं एडवर्टाइजमेंट्स के बजट आप खत्म करें, उनमें जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसको प्रदूषण खत्म कराने पर लगाएंगे। मेरा गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कहा कि भाई दिल्ली से प्रदूषण बिल्कुल हम ख़त्म करना चाहते हैं। और समय समय पे दिल्ली सरकार अलग अलग कदम उठाए, आप भी बिल्कुल मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट एपका द्वारा पार्लियामेंट में पेश की गई। 25 से 30% सभी दिल्ली वासियों ने मिल के कम किया, और जहाँ तक बात मिलने की है तो लगातार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करती रही कि भाई जो पराली से जो धुआं आता है, स्पेशली दिवाली के आसपास सर्दियों में, और यही हफ्ता 10 दिन है, उसमें पराली के धुएं से जो दिल्ली वासी जो हैं वो पीड़ित होते हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि जितने भी हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स भी हैं। तो मेरा यही अनुरोध होगा कि पराली से धुएं में कमी हो, वहाँ जो मशीनें किसान को उपलब्ध करानी है वो उपलब्ध कराई जाएं। दिल्ली वासी होने के नाते और सभी दिल्ली वासियों के नाते मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि ऑड इवन अगर 50% व्हीकल सड़क से दूर रहेंगे और सड़क पे नहीं चलेंगे तो बिल्कुल लॉजिक के साथ ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उसमें जितने कम वाहन सड़क पे रहेंगे उतने ही कम पोल्यूशन होगा। और आज उतना पोल्यूशन अगर हम मिलके अगर इस चीज़ को हम कम कर सकें तो मुझे पूरा यकीन है कि जो राहत दिल्ली वासियों को मिलनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि पूरा दिल्ली जो है गैस चैम्बर बना हुआ है। सिर्फ दिल्ली नहीं, अगर यूपी की तरफ जाएं वहाँ भी ये हालत है, हरियाणा की तरफ जाएं वहाँ भी ये हालत है, चंडीगढ़ तक ये हालत है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है और मुझे खुशी है कि आप इसमें, आपने ये आपकी मुस्कुराहट जो है ये कह रही है कि आप ऑड इवेंट में आप पूरा हिस्सा लेंगे। नहीं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लेना चाहता हूँ। ऑड इवन में आपने सारे दुपहिया अलाउ कर दिए 70 लाख, आपने सारी ओला कर दी, सारी ऊबर कर दी, सारी टैक्सी कर दी, सारी ई रिक्शाज कर दी, सारी बसेस कर दी, कुछ छोड़ा ही नहीं, सिर्फ 4 व्हीलर रहे हैं। तो उसके कारण मुझे लगता है कि ऑड इवन एक नाटक बन गया जाके। फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ, ऑड इवन को किया भी अब करना था तो काफ़ी पहले करना था, नंबर एक बात। दूसरा, हर साल ऑड इवन करना था ना आपको, अब चुनाव से पहले जब आप 2 महीने करते हैं तो मुझे नाटक लगता है। पर मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि भाई
दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगी वो हम करेंगे, पर पराली से लोग कहते हैं 10% प्रदूषण होता है, 40%, चलिए 40 होता है, 60 का क्या होगा? 25-30% तो कम किया। नहीं नहीं, नहीं दूसरा इस चीज को तो मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं पढ़े मेरे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना, जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल हुई और उसमें तो साफ साफ ये माना गया है कि 25-30% बारिश की वजह से हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार की रिपोर्ट नहीं है इसमें, हम कोई राजनीति नहीं। बारिश की वजह से हुआ है, जो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पेश हुई उसमें ये साफ साफ ये माना गया कि 25-30% पोल्यूशन दिल्ली वासियों ने, ये नहीं कह रहे कि दिल्ली सरकार ने किया, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, और सीएम साहब भी बार बार कह रहे हैं कि हम इस पे कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते। नहीं नहीं, वो आपने आपने 25-30% जो है वो पोल्यूशन कम किया मुझे, और हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई इतना ही करना है, हम ये कह रहे कि इसको और आगे कम करना है, हम सबको मिलके इस चीज़ को बिल्कुल कम करना है। मैं आपसे स्पेशली ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि ऑड इवेंट में इस जितनी भी दो हफ्ते का समय है इसमें आप हमारे साथ दिल्ली वासियों के साथ मिलके जो भी प्रदूषण हम कम कर सकते हैं उसको कम करें। आप खुल के करिए, मेरी प्रोटेस्ट सांकेतिक थी, नंबर एक बात। दूसरी बात, आप अपना विज्ञापन पढ़िए, आपने उसमें ये नहीं कहा आपने प्रदूषण कम कर दिया, आपने सुनिए सुनिए लिखा है उसमें, अरे नहीं लिखा ना, बताऊंगा आपको, आपने उसमें लिखा है 25% प्रदूषण हवा साफ हो गई, हवा मतलब नहीं नहीं नहीं, खुद हवा साफ हो गई, जैसे आपने देखा है ना बारिश हो जाए धूप हो जाए, आप अपने ऐड को ध्यान से देखिएगा, आपने ही लिखा है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने एक भी उपाय ऐसा नहीं लिखा हुआ जो आपके इनिशिएटिव भी हुआ। फिलहाल ये बात है कि मेरा सांकेतिक प्रोटेस्ट हो गई है, मैं ये चाहता हूँ जो भी कदम उठाएं वो पूरे 5 साल उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑड इवन में आप पूरा नहीं नहीं, मैंने तो बता दी आपको, मेरी तो सांकेतिक प्रोटेस्ट थी, आप ऑड इवन करिए, पर ऐसा नहीं सबको छूट देने के बाद ऑड इवन से फायदा नहीं होगा। ये देखो पिछली बार की रिपोर्ट है, इसमें फायदा नहीं हुआ था, इस बार फायदा होना चाहिए। ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि अगर जितने कम वाहन होंगे उस पे। थैंक यू। मीडिया के सामने इनकी खुली बात और वहां पर विजय गोयल का यह दावा कि ऑड इवन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन आपने अलाउ किए हैं, सिर्फ फोर व्हीलर प्राइवेट ओनरशिप है जिसको कि आपने कहा है कि ऑड इवन का पालन करना पड़ेगा, यानी आज से 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से 8 बजे तक ये जो लागू रहेगा, रविवार को लागू नहीं होगा, यानी 15 नवंबर तक ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की प्राइवेट गाड़ियां, वो भी फोर व्हीलर्स, वो जा सकती हैं इवन तारीख वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियां, लेकिन बसेस, ओला उबर जैसी प्राइवेट टैक्सीज, टू व्हीलर्स यानी मोटर बाइक स्कूटर इत्यादि और सारे वाहन यानी ऑटोज, ये सब सड़क पर चल सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, ये सवाल पूछ रहे हैं विजय गोयल। दूसरी बात ये कर रहे हैं, पिछले साल जब आपने किया तब कोई खास फर्क नहीं हुआ प्रदूषण पे, क्योंकि आपने जितनी गाड़ियां अलाउ की वो बहुत कम थी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर ऑड इवन को लागू करना था तो प्रदूषण और पोल्यूशन लेवल्स इतने पहुंचने से पहले करने की जरूरत थी, अभी नहीं। ये जो है ये सिर्फ नाटक है, इससे दिल्ली वासियों को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। मेरा सवाल उससे बड़ा ये है कि साल के 320 दिन दिल्ली वासियों और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो हवा की क्वालिटी है वो पुअर रहती है, यानी खराब है, दिल्ली वासियों को पूरे साल खराब हवा में सांस लेनी पड़ती है, गंदी हवा में सांस लेनी पड़ती है, ये तो अभी बस और ज्यादा खराब हुई है स्थिति, इसका क्या किया गया? प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, कैलाश गहलोत के पास इसका जवाब नहीं था प्रियंका कि आपने इससे पहले क्या किया, क्योंकि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि 25% कमी हुई है वो हवा साफ होने अपने आप साफ हुई है, यानी कि धूप हवा और बारिश की वजह से हुई है, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर से ड्रैपिड जो कम होना चाहिए था वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जो आपने मेजर्स लिए हैं उसमें आप जो आंकड़े बताएं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 2016 के मुकाबले इस साल 2017 के मुकाबले 2019 में अक्टूबर नवंबर में हवा और खराब रही है, अच्छी नहीं रही। जी बिल्कुल, यही सवाल विजय गोयल ने भी कैलाश गहलोत से पूछे थे, जहाँ हालांकि कैलाश गहलोत का कहना था कि वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि ऑड इवन में जो सहभागिता नहीं दिखा रहे हैं विजय गोयल और सांकेतिक प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो उसके खिलाफ उन्हें मनाने आए थे। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई और ये गाड़ी फिलहाल आपको आनंद जो हम दिखा रहे हैं यही वो गाड़ी थी जिसे लेकर गए थे, जिसको एक अलग रंग बिल्कुल दे दिया गया है, जिस पर पूरा लिखा हुआ है कि ऑड इवन जो है वो नाटक है। हालांकि दोनों के बीच जब बातचीत हुई तो विजय गोयल उन पर सवाल पूछते रहे कि पिछले
सालों में क्या हुआ है, अगर ऑड इवन को करना था तो उसको हर साल क्यों नहीं किया गया है। विजय गोयल ने इल्जाम लगाया कि क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर एक टैक्टिक्स अपना रही है आम आदमी पार्टी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। इस पर कैलाश गहलोत का कहना था कि हमने काम किया है और हमारी नहीं बल्कि सरकारी एजेंसीज की रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली में 25% तक जो हवा है वो साफ हुई है, जिस पर विजय गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये हवा साफ हुई है, प्रदूषण कम नहीं हुआ है। हवा साफ मौसम के बदलने से भी होती है, मॉनसून के लेट होने तक भी होती है, और इसी का जवाब कैलाश गहलोत के पास फिलहाल नहीं था। वो दोबारा उनको ऑड इवन के मुद्दे पर लेकर आए और उनसे गुजारिश की कि जो कदम फिलहाल दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन के नाम ऑड इवन जैसी जो कोशिशें कर रही है उस पर वो सहयोग दे। प्रियंका, देखिए तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, दिल्ली सरकार खुद कहती है कि कम से कम 40% कमी हुई है पराली के जलने में। जो सर्कुलर हाईवे बना है, जो एग्जिट बना है, तो कम से कम सड़क दिल्ली की सड़कों से कम 40,000 से 50,000 ट्रकें जो है वो बाहर हो चुकी हैं। अगर ये सब कुछ हुआ है और डीजल जेनसेट का इस्तेमाल कम हो गया है, ये सब कुछ हो गया है, तो हवा तो और ताज़ा हो जानी चाहिए थी। गंदी कैसे हो गई पहले पिछले साल के मुकाबले, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं है दिल्ली सरकार के पास? ये सवाल, ये बात हम कर रहे हैं। दिल्ली में ऑड इवन नियम आज से जो लागू हुआ है, नियम न मानने वालों को पुलिस ने चालान भी काटे हैं। इस दौरान दिल्ली के आईटीओ पर लगे जो लोगों ने एक गाड़ी को रोक लिया, लोगों ने बताया कि इवन वाले दिन एक अधिकारी की ऑड नंबर वाली गाड़ी जा रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे नहीं रोका, जिसके बाद एक आदमी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और चालान काटने की मांग करने लगा। तो ये सब, ये जो ऑड इवन का ड्रामा है, ये भी हम सड़कों पर देख रहे हैं, लेकिन साफ हवा नहीं दिख रही। मौजूद है दिल्ली में ऑड इवन की स्कीम लागू हो चुकी है, ऐसे में आज घर से जो भी गाड़ियां लेके निकल रहे हैं वो ध्यान रख रहे हैं कि घर से इवन नंबर की गाड़ियां ही लेकर चलें। ये फिलहाल एक सरकारी गाड़ी है जिसको रोका गया है और ये ऑड नंबर गाड़ी है, पर हैरत की बात ये है कि ये जो रोका गया है इसे ट्रैफिक पुलिस ने नहीं रोका बल्कि आम लोगों ने यहाँ पर रोका हुआ है। ये एक सरकारी गाड़ी है जिसमें अभी ऑफिसर कोई मौजूद नहीं है, कर्मचारी है और एक महिला जो है वो पीछे बैठी हुई है। जो वाहन चालक है उनका कहना है कि उनको जानकारी नहीं थी, इस वजह से वो गाड़ी आ गई। ये गाड़ी आप देख रहे हैं सरकारी है, फिलहाल पूरा कवर्ड इसको किया गया है, यानी कि कोई सरकारी अफसर अंदर गाड़ी में मौजूद नहीं है, एग्जेम्पशन कोई नहीं होगी। यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब आम लोगों का चालान कट रहा है तो इनका क्या शिकायत है? मेरी शिकायत ये, 10 से 15 मिनट हो गए कोई आगे देख नहीं रहा इस गाड़ी को पुलिस वाला, मेरी गाड़ी को 10 पुलिस वालों ने घेर रखा है। तो आपको लग रहा है सरकारी गाड़ी, इस वजह से सरकारी गाड़ी है, इस वजह से कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा इसको, मगर मैं जाने नहीं दूंगा इस गाड़ी को जब तक चालान नहीं कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर लेट जाऊंगा मैं गाड़ी के आगे, जाने नहीं दूंगा। चलिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में शख्स का कहना है कि जब इसकी गाड़ी को रोक लिया गया है तो ऐसे में सरकारी गाड़ी के पास कोई क्यों नहीं आ रहा है और इस गाड़ी का चालान क्यों नहीं काटा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।